सबसे पहले तो जगह का चयन करते समय एक चीज़, क्योंकि हम जो फलदार वृक्ष कोई भी लगाएं वो लंबे समय तक के लिए चलता है, तो इसलिए हमको जब जगह का चयन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा जगह जहाँ चयनित कर रहे हैं, जहाँ हम अपना बगीचा लगाएंगे फलों का, चाहे वो नींबू का हो या कोई भी फलदार वृक्ष हो, ऐसी जगह नहीं होना चाहिए कि जहाँ उसके आसपास फैक्ट्रियाँ हो, उसका धुआं हो या किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन आता हो, है ना, प्रदूषण हो। क्योंकि क्या होगा, उसका जो धुआं आता है फैक्ट्रियों का, वो सब जो है इनके उत्पादन पे, गुणवत्ता पे विपरीत असर डालता है। और अपन को ये भी एक देखना है कि वहाँ लेबर की व्यवस्था आसपास अच्छी हो, उचित दरों पे हो, मार्केट की कितनी दूरी हो, ताकि हम जो है अपना उत्पाद जो है जल्दी से जल्दी मार्केट पहुँचा सकें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे आओ घनश्याम। वो तो सकुल गए हैं। सकुल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। 29 फरवरी 2020 ये वो तारीख थी जो देश भर के लघु, सीमांत व भूमिहीन किसानों के लिए उम्मीदों का एक नया सवेरा लेकर आई और उन्हें 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs के गठन एवं संवर्धन योजना का उपहार मिला। किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। अपने लॉन्च के लगभग 2.5 साल के बाद योजना के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। FPOs के गठन ने छोटे व भूमिहीन किसानों को एक समूह के रूप में इकट्ठा किया है, जिससे इनकी ताकत बढ़ी है और नई तकनीक तक पहुंच भी, जिसका असर अब इनके जीवन में दिखने लगा है। इस योजना के तहत FPOs को चलाने के लिए 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी की सुविधा दी जाती है। मेघालय की जयंतिया हिल्स फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी कृषि कल्याण के साथ साथ नारी सशक्तिकरण की भी गवाह बन रही है, क्योंकि इससे जुड़ने वाले किसानों में सारी की सारी महिलाएं ही हैं। अपने गठन के मात्र 9 महीने में ये FPO इन महिला कृषकों की प्रगति को नई गति दे रहा है। वर्षनल थो बट पडियांग का गनि कंपनी है पो गनि गछनंग था गो यंग ई हछनंग यंग ई बोन गनंग रम खमतम को एम पो गनि कंपनी द एम ई कम वन रुस पा तम मुट कि नंग रम सा को मने दे एम गनि कंपनी यो इची बोन गि जिंग मन तोय गि जिंग रम। छत्तीसगढ़ का बालोड आज इस योजना की रोशनी से एक नई सुबह का साक्षी बन रहा है।
यहाँ अप्रैल 2021 में स्थापित की गई सर्वोदय कृषक प्रोड्यूसर कंपनी आसपास के 11 गांवों के सैकड़ों किसानों का जीवन रोशन कर रही है। मैं अन्य जगह से खाद दवाई लेता था तो बहुत ही ऊंचे दामों में और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं जब से सर्वोदय कृषक उत्पाद लिमिटेड से जुड़ा हूँ तब से मुझे बहुत ही कम कीमत में और आसानी से खाद और दवाई मुझे मिल रही है, जो कि मेरे आय वृद्धि में बहुत ही सहायक है। जब से मैं FPO में जुड़ गया हूँ तब से मुझे मार्केटिंग करने की कोई समस्या नहीं है। मेरा उत्पाद जो है FPO के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बिक रहा है। उड़ीसा का संबलपुर, जहाँ के आदिवासी किसान कभी गरीबी कभी अंधेरे में जिया करते थे, वो आज समृद्धि के उजाले से जगमगाने लगा है। और SFAC की सहायता व उचित मार्गदर्शन से 7,30,000 रुपए की इक्विटी ग्रांट मिली है। FPO असलाबाद मते दी पैसा मिलवार बाद में उटे मशीन बसई करी, दी पैसा अच्छा तेल रो मशीन बसई करी, दी पैसा भल कमउछे। मैं आगे व्यापारी मैंने कम रेट रे धान ले जाउथले, किंतु एखन FPO संस्था आसबार द्वारा हमें दूरियानु नि जाकरी पाखे धानटा पाई पारुछु आ लाभवान बहुत होउछु। और FPO के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको और आपके साथ जुड़े हुए इन सभी किसानों को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पे मैं उत्साह देख रहा हूं। मेरा उन सबको भी नमस्कार, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस योजना ने छोटे छोटे किसानों को जोड़कर बड़े समूहों में तब्दील कर दिया है और लघु व सीमांत किसानों की सफलता की सैकड़ों कहानियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि नए भारत का किसान अब कमजोर नहीं। वो भूमिहीन भले ही हो पर संसाधन विहीन नहीं, उसके पास आज तकनीक की ताकत भी है और सरकार मदद की राहत भी। और मात्र 2 वर्ष के अंदर देश का अन्नदाता इस FPO योजना से जुड़कर अपना जीवन सुखमय और समृद्ध बना रहा है। कृषि दर्शन देखैया सबो भाई बहनी मेला जय जोहार। संगी हो, अपन खेत में हर साल एक ही फसल लगाए से खेत के उर्वरा शक्ति कम हो जाते और एकर से उत्पादन भी घटते। एकर बार हमारे किसान भाई मेला सलाह दे जाते कि अपन खेत में धान के अलावा मक्का, दलहन, तिलहन, रागी जैसे और दूसर फसल ला भी लगाए जाना चाहिए। एकर से उर्वरा शक्ति भी बढ़ते और मिट्टी के PH मान बढ़ते, एकर से उत्पादन बढ़ते और उत्पादन बढ़ी तापमान के आय बढ़ी। तो संगी हो, आज हम बात करबो कि फसल परिवर्तन करे से का लाभ है और आपन के आय कैसे बढ़ाया जाए, ये विषय में आपन ले जानकारी दे बर आज हमारे संग हैं संभागी संयुक्त संचालक कृषि श्री गयाराम सर। सर आप मन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। संगी हो, आप मन ला फसल परिवर्तन के संबंध में कोनो प्रश्न पूछना हो ही तो आप मन हमारे ये टोल फ्री नंबर में हमसे पूछ सकते हो। हमारे नंबर है 1800233948। अब चर्चा की शुरुआत करन। सर हमारे किसान भाइयों को पहले बताइए कि फसल परिवर्तन क्या है, ये क्यों जरूरी है और इससे हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ है। फसल परिवर्तन का मुख्य आशय यही कि मिट्टी की भौगोलिक दशा और जलवायु के हिसाब से जो अलाभकारी फसलें हैं, या कहना चाहिए कि जिस प्रकार से मिट्टी है, जैसा उसकी बनावट है, जैसा उसका ढलान है जी, और जलवायु जैसा है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है जी, और बस्तर का पठार है जी, और मध्य में हमारे रायपुर बिलासपुर संभाग के जो जिले आते हैं जी, उसमें 3 प्रकार से हमारा जो जलवायु क्षेत्र छत्तीसगढ़ बटा हुआ है जी, उस जलवायु और मिट्टी के बनावट के हिसाब से हमको जो खेती करना चाहिए जी, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसको हम जानकारी के अभाव में जो ढलान वाली भूमि में हम धान लगा देते हैं या फसल लगा देते हैं जो लाभ नहीं देता है जी जी। तो हमको मिट्टी की भौगोलिक दशा, जलवायु जैसा हमारे पास रिसोर्स है, संसाधन है, उसके हिसाब से हम फसलों को लाभ लेने के लिए हम जैसे दलहन है, तिलहन है और मक्का है, रागी और कोदो, ऐसे फसलों के लिए और अलाभकारी फसलें हम जैसे बिना सोचे समझे कहीं भी लगा देते हैं जी जी। तो फसलों को परिवर्तित करके बोना ही फसल परिवर्तन है जी जी। तो और इसलिए जरूरी भी है क्योंकि मिट्टी की उपजाऊ दशा बनी रहे और जैसा रिसोर्स हमारे पास में पानी के साधन है, वर्षा आधारित फसलें हैं
या फिर सिंचाई के आधार पे है, तो जिस प्रकार से ऊपरी भूमि है, मध्यम भूमि है और निचली भूमि है, जी जी, तो भूमि के बनावट और जलवायु और संसाधन के हिसाब से फसलों को ही बोना ही फसल परिवर्तन है। जी जी सर, धान के अलावा दलहन तिलहन, सर एक मिनट पहले हमारे साथी का फोन सुन ले। जी हेलो। हेलो, हाँ राम राम दीदी। राम राम, कौन बोला था? गोविंद मानेश्वर बोलो दीदी, कन्या बालाघाट ले। जी क्या पूछना है आप मन ला? मोला जानकारी ये लेने दीदी, जैसे धान फसल के बाद हमन ला जैसे जन खेत पे भी धान लगे ना, हाँ? तो जैसे रबी के जैसे हमला फसल लेना था, कौन फसल उपयुक्त अच्छा रही रबी में, उखर बारे में जानकारी लेना थी फसल परिवर्तन के बारे में। जी अच्छा अच्छा, रबी में जैसे आप धान मत लीजिए, अगर आपके पास पानी के साधन है तो आप गेहूँ ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं और सरसों वगैरह ले सकते हैं। एक दो पानी होगा तो गेहूं के लिए 3 पानी की कम से कम आवश्यकता होती है। अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप उतेरा में भी, आप अभी जैसे पितृपक्ष के बाद में दशहरा के समय आप उतेरा में अलसी ले सकते हैं, तिवरा ले सकते हैं। अगर आप उतेरा में नहीं भी ले रहे हैं, अगर आपके पास नमी है, थोड़ा कन्हार टाइप की ज़मीन है, तो आप चना ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं जो नमी आधारित है। इस प्रकार से आप ग्रीष्मकालीन या रबी के जी धान के अलावा आप इन फसलों को लेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा भी मिलेगा और आपकी ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी। जी जी, जैसे कि आपने बताया सर कि धान के अलावा वो दूसरा फसल लेने से लाभ होते, तो क्या क्या लाभ होते हैं? लाभ यही कि मिट्टी सुरक्षित रहता है। अगर पानी भर जाता है, बार बार हम धान के बाद धान ही लेते हैं, तो क्या होता है मिट्टी में बहुत सारे कीड़े बीमारी जो होते हैं, खरीफ के जो कीड़े बीमारी हैं वो हमारे रबी की फसल, जो लोग रबी फसल बोते हैं ग्रीष्मकालीन धान को, तो उसमें उसके कीड़े बीमारी फिर से ट्रांसफर होते हैं। जी जी। बार बार एक ही फसल लेने से मिट्टी की जो दशा है, मिट्टी सूख नहीं पाती है, गीला ही रहता है, तो बहुत सारी समस्या होती है। और जमीन गीला होने से फिर हमको कीड़े बीमारी भी बढ़ते हैं, मिट्टी के जो उर्वरा शक्ति है कम होती है, और हमको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमको नहीं मिलता। जी है। जी जी, दलहन तिलहन में ज्यादा लाभ है किसानों को। जी 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 सर, फसल परिवर्तन प्रशासन के क्या योजना है किसान भाई मन, क्या सुविधा वो मन दे? फसल परिवर्तन करने के लिए जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, जिसमे धान के बदले अन्य फसल किसान लेते हैं, ऐसा दलहन है, तिलहन है, जैसे खरीफ में अरहर है, उड़द है, मूंग है, तिलहन फसलों में हमारा जैसे तिल की फसल है, मूंगफली है, इन फसलों का अगर हम बोते हैं तो हमको 10,000 रुपया एक इनपुट सब्सिडी के रूप में छत्तीसगढ़ शासन दे रही है। जी जी। और धान जो सुगंधित धान वगैरह भी बोते हैं, जैसे हमारे पास में जवाब फूल, जीरा फूल या अन्य सुगंधित धान है, अगर सुगंधित धान हम परंपरागत धान के बदले सुगंधित धान भी बोते हैं तो भी हमको 10,000 रुपया प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी किसान को मिल रहा है। और अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो वृक्षारोपण जिस प्रकार से रोजगार योजना में हम फलदार वृक्षारोपण वानिकी के पौधे रोपाई करते हैं, तो राजीव गांधी किसान योजना में भी 10,000 रुपया उनको प्रति वर्ष 3 साल तक मिलेगा इनपुट सब्सिडी के रूप में। इनपुट मतलब उसमें लगने वाले कृषि आदान के लिए। जी जी। और सब्जी भाजी की फसल, उद्यान की फसलें भी अगर किसान बुआई करता है या वृक्षारोपण करता है फलदार, तो भी उसको 10,000 रुपया दिया जाएगा। तो ये राजीव गांधी किसान योजना जो लागू हुआ है जी। सरकार के द्वारा, तो उसमें किसानों को इनपुट सब्सिडी के रूप में धान में 9,000 रुपया और सुगंधित धान और दलहन तिलहन और साग सब्जी की जो फसलें हैं, उद्यान की फसलें और वृक्षारोपण में 10,000 रुपये इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। जी जी सर, हम बात करते हैं किसान भाई मन के आय बढ़ाए के, तो पारंपरिक खेती करत मन कैसे अपन आय ला बढ़ा सकते हैं? आय बढ़ाने के लिए जैसे किसान अब परंपरागत खेती कर रहे हैं, जैसे धान के बाद धान ही उगा रहे हैं जी, तो अगर हम धान के जो ऊपरी भूमि है जहाँ पे पानी नहीं ठहरता है, जी जी, ऐसे जमीन पे हम मक्का की खेती करेंगे, मूंगफली लगाएंगे, अरहर लगाएंगे, उड़द लगाएंगे, मूंग लगाएंगे, तो दलहन और तिलहन की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आज आप देखेंगे बाजार में दाल की जो कीमत है 100 रुपये से कम नहीं है। जी जी। तो उसमें अगर किसान दलहन तिलहन लगाएगा तो उसको तो लाभ, ज्यादा लाभ मिलेगा ही। साथ ही सरकार इस साल छत्तीसगढ़ सरकार हमारी समर्थन मूल्य पे अरहर उड़द मूंग की खरीदी भी करने जा रही है। जी जी। पहले समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं होती थी, तो खरीदी की भी व्यवस्था सुनिश्चित है। 0% ब्याज पे हम भी छत्तीसगढ़ शासन जो है किसानों को सहकारी समिति के बहाने से ब्याज मुक्त ऋण भी दी है। जी जी। खरीदी की व्यवस्था भी हो रही है और 9,000 रुपये 10,000 रुपये इनपुट सब्सिडी भी दे रही है। जी जी। किसानों को हर प्रकार से सहायता फसल परिवर्तन के लिए दी जा रही है। जी जी सर, मौसम परिवर्तन के फसल चक्र परिवर्तन में क्या फर्क पड़ते हैं, क्या नुकसान होते हैं और हमारे किसान भाई मन अपन फसल ला कैसे बचावे? मौसम परिवर्तन मान ली जाए, अगर अचानक मौसम परिवर्तन हो गया जी, और मान ली जाए जैसे गेहूं है या फिर जैसे अभी अक्टूबर नवंबर के समय है जी जी, तो उस समय अगर उड़द जो फसल है या मूंग है पकने की अवस्था में आता जी, और अचानक विंटर रेंस हो गया, अचानक बेमौसम बारिश हो गया जी, तो फल्ली के अवस्था में अगर उसमें पानी गिरता है तो सेटरिंग होता है, झड़ जाता है जी, जी, जी। तो किसान भाइयों को चाहिए कि थोड़ा सा अरहर मूंग और उड़द को
थोड़ा समय को परिवर्तन करके बोएं, ताकि वो जिस समय एक ट्रेडिशन रहता है अक्टूबर नवंबर के समय विंटर रेंस वगैरह होता ही है, तो उस समय थोड़ा सा आगे पीछे करके बोएंगे, उस समय जिस समय फसल पकती है उस समय पानी नहीं गिरेगा, या गिरेगा भी तो हमारा जो पकने की है बाली या फिर फल लगने की अवस्था है उससे आगे पीछे हो जाएगा तो हमारा नुकसान नहीं होगा। दूसरा ये है कि क्लाइमेट में जैसे हमारा नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, तो नॉर्थ छत्तीसगढ़ में ठंड पड़ता है तो हमको गेहूं की फसलें ज़्यादा लाभकारी है। हमारे मध्य क्षेत्र में चना है, गन्ना है, और ये सरसों की खेती है, गेहूं है, तो ये बहुत लाभकारी हो रहा था। क्लाइमेटिक जो है, जैसे ठंडा नॉर्थ हमारा सरगुजा संभाग है तो वहाँ जो कूल टेम्परेचर रहता है नवंबर अक्टूबर में, तो वहाँ गेहूं की खेती काफ़ी लाभकारी हो रही है। सरसों की खेती भी इधर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी वगैरह जो क्षेत्र है वहाँ किसान काफ़ी सरसों ले रहे हैं। तो हमारे मध्य क्षेत्र में भी इधर जो सेंट्रल जोन है रायपुर और बिलासपुर संभाग में वहाँ किसान मक्का की खेती बहुत अच्छे ढंग से कमा रहे हैं। मक्का में हरा क्रॉप ग्रीन क्रॉप बेचना, फॉडर के रूप में उपयोग करना, सरसों की खेती है, चना है हमारे जैसे धमधा है, दुर्ग है, राजनांदगांव जिले है, मुंगेली है, यहाँ चना की खेती किसानों के लिए, मटर की खेती है, और ये अपना अलसी की खेती है, तो बहुत सारे दलहन तिलहन जो रबी में नमी आधारित है और सिंचाई साधन आधारित है ये किसानों को काफी लाभ दे रही है। सर, लघु धान्य फसल में रागी के अलावा वो का हमारे किसान भाई मन लगा सकते हैं? लघु धान्य फसल मतलब जिसका दाना छोटा रहता है, अभी खरीफ में कोदो, कुटकी और रागी ये तीन फसल हैं जिसको सरकार जो है समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से भी खरीदी का प्रावधान किया है। और वनोपज सहकारी संघ के माध्यम से खरीदी भी होगी। किसान जैसे खासकर से बस्तर है, हमारे धमतरी जिले का नगरी मगरलोड क्षेत्र है, और इधर गरियाबंद के मैनपुर देव हो गए, जहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, किसान खरीफ में कोदो, कुटकी, रागी तीनों की खेती कर रहे हैं। और रागी तो ग्रीष्म काल में जैसे धान लगाते हैं कई किसान भाई, तो वहाँ पर रागी जो है धान के बदले रागी एक बहुत आमदनी देने वाला फसल है। तो किसान भाई लोगों के लिए खरीदी की भी व्यवस्था की गई है, और अभी क्रॉप लोन में सरकार ने किसानों को इसमें ब्याज मुक्त ऋण भी दिया है। तो खरीदी की व्यवस्था, ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था, और इनपुट सब्सिडी कोदो कुटकी रागी में भी इनपुट सब्सिडी राजीव गांधी किसान योजना में प्रावधान किया गया है। तो तीन प्रकार से किसानों को लाभ दिया जा रहा है ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा फसल परिवर्तन करके लाभ कमा सके। सर, लाभ के बाद हम कर रहे थे तो जैविक खेती अपना के हमारे किसान भाई मन कैसे अपन आय बढ़ा सकते हैं? जैविक खेती में देखिए क्या है, लगातार तीन साल तक तो हम अपने जो परंपरागत खेती कर रहे हैं तो जैविक के रूप में परिवर्तित करने के लिए मिट्टी को परिवर्तित करना जरूरी होता है। अगर हम जैविक खेती की फसल लेते हैं तो कोई भी फसल ले जैविक के रूप में क्या है, अगर हम करते हैं तो हमको निश्चित रूप से प्रथम वर्ष में उत्पादन कम मिलता है, लेकिन उसके इकोनॉमिक जो वैल्यू होता है, अगर हम वैल्यू एडिशन करके मार्केट में जैसे अभी एफपीओ वगैरह की बात करते हैं, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बना करके किसान छोटे छोटे समूह बना लेंगे, एसएचजी बना ले, और जो जैविक रूप में अगर उत्पादन करते हैं खासकर से माइनर मिलेट्स को जिसको सुपर फूड बोला जाता है, लघु धान्य फसलों को, रागी के बिस्कुट भी बनते हैं, रागी के केक बनते हैं, रागी की इडली बनते हैं, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं, कोदो के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, मक्का के बहुत सारे चिप्स वगैरह बनते हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बनता है। तो इस प्रकार से हम जो सुपर फूड्स को जैविक रूप में करते हैं, जैसे सुगंधित धान वगैरह हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हैं, तुलसी मंजरी है, जवा भोग है, जवा फूल है, बादशाह भोग है, बहुत सारे ऐसे सुगंधित धान है। नगरी का जो दुबराज है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, और सरगुजा संभाग में बलरामपुर जो चांगरो राइस है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ऐसे हम अगर जैविक रूप में करते हैं तो निश्चित रूप से किसान संगठन बना करके, एफपीओ बना करके, मार्केट में वैल्यू एडिशन करके अगर बेचते हैं तो निश्चित रूप से जैविक खेती एक बहुत लाभप्रद है किसानों को। थोड़ा सा सर, एक संगी की फोन है। हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार, कौन बोला था आपन? मैं प्रतिभा आके बोल रही हूँ महाराष्ट्र से। जी, क्या पूछना है आपन ला? हेलो, अपन प्रश्न ला पूछो। हमने अभी एक मक्का लगाई है जी, वो अलग टाइप का है। अच्छा, वो आप क्या जानना चाहते हो? हम ये जानना चाहते हैं कि वो आपके पास भी अलग अलग टाइप की मक्का होती है क्या? कौन सी? हमने अभी गुलाबी रंग की मक्का लगाई है। अच्छा, मैं एक्चुअली आप शायद जानना चाहती हैं कि दाने की क्वालिटी गुलाबी है कि पौधा गुलाबी है? दाने की क्वालिटी गुलाबी है। हाँ, निश्चित रूप से होता है मक्के में
उसमें होता है, और जैसे टेस्ट में देखेंगे तो आपको स्वीट कॉर्नर भी होता है, जो आप फाइव स्टार होटल में या कहीं होटलों में जाते हैं तो वहाँ पर जो सब्जी वगैरह बनाते हैं उसका स्वीट कॉर्नर भी होता है, बेबी कॉर्नर भी होता है, जो बेबी फूड्स वगैरह बनता है तो उसका जो स्वीटनेस है ज़्यादा होता है, इसमें जो आता है बेबी कॉर्नर स्वीट कॉर्नर आता है, और रफ कॉर्नर जो आता है हाइब्रिड कॉर्नर वगैरह जो पोल्ट्री फीड वगैरह के लिए काम आता है, या फिर हम मार्केट में खाते हैं तो स्वीट कॉर्नर भी मिलता है, जो हरे कॉर्न मिलता है जिसको भून करके खाया जाता है, आजकल बरसात के समय काफ़ी बिकता है। तो मक्का मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, स्वीट कॉर्नर होता है, बेबी कॉर्नर होता है, और ये हाइब्रिड वगैरह आजकल और कंपोजिट वेराइटी होती है जी। तो ये पोल्ट्री फीड में भी काम आता है, पशुओं के अनाज के लिए काम आता है, और हम आटे वगैरह जो खाते हैं ये फिर कॉर्नर होता है, और जो बेबी के लिए फूड्स बनता है वो सुपर फूड्स वगैरह बेबी फूड्स के लिए अलग कॉर्नर होता है जी जी। और सब्जी के लिए जो उपयोग करते हैं वो स्वीट कॉर्नर होता है जी जी जी। तो आप कलर शायद देख रहे हैं तो कलर में आता है, क्योंकि जो पीले कलर का या फिर पर्पल कलर का जो दाने होते हैं तो दाने में कोई इशू नहीं है, बट ये है कि क्वालिटी अच्छा होना चाहिए जी जी जी। सर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के एक बहुत अच्छा योजना है गोधन न्याय योजना, ये योजना से हमारे किसान भाई मन अपन आयला कैसे बढ़ा सकते हैं? छत्तीसगढ़ शासन की बहुत महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप स्कीम है गोधन न्याय योजना जी। गोधन न्याय योजना के माध्यम से किसानों की जो गोबर खरीदी हो रही है जी जी, गोबर खरीदी के एक बहुत पूर्ण महत्वपूर्ण दूरगामी परिणाम है जी। क्या है, किसान बहुत सारे जो पशुपालक हैं, दूध तो बहुत सारे किसान डेयरी का जो बिजनेस कर रहे हैं या पशु जो पालते हैं जी, और ये अपने दूध का भी व्यवसाय कर रहे हैं जी जी। तो गोबर जो उनके किसान लोग क्या करते हैं, पहले उपले बना देते थे, कंडा बना देते थे जी जी, या फिर गोबर को खाद बना देते थे। तो गोधन न्याय योजना के माध्यम से किसानों से 2 रुपए किलो जो गोबर खरीदी हो रही है जी, उसके माध्यम से हमारे जितने भी गोठान बने हुए हैं जी जी, गोठानों में वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है जी। अच्छा। वर्मी कंपोस्ट से जो भूमि की जो भौतिक दशा जो होती है, लगातार हम ये रासायनिक खाद डाल डाल करके जी, हम जमीन की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, वो कठोर हो जा रहा है जी। पहले 25 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर चलते थे, आज जमीन इतनी कड़ी हो गई है कि 45 हॉर्स पावर के मोटर चलाना पड़ता है ट्रैक्टर जी, जी। तो भूमि की भौतिक दशा सुधारने के लिए हमारे पास एकमात्र हमारा साधन है कि हम जैविक खाद का उपयोग करें। जैविक खाद मतलब हमारे घर में अगर वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं या फिर गोठान के माध्यम से हम किसानों को से लेकर के खरीदते हैं, सहकारी समिति के माध्यम से भी वर्मी कंपोस्ट किसानों को इस साल दिया गया है ऋण पे के। अच्छा। तो गोबर खरीदी के माध्यम से किसानों का एक आर्थिक दशा भी सुधर रही है, और गोबर को पशु को जो किसान लोग ये सोचते हैं कि हमको आय का साधन नहीं है जी, तो खेती के साथ साथ पशुओं का भी प्रेम और पशुओं के एक आय का एक साधन जी जी, गोबर खरीदी एक जो है बहुत दूरगामी परिणाम है कि किसानों को आय के स्रोत एक निश्चित रूप से लगातार डेवलप हो जी। और पशुपालक जो दूध के व्यवसाय करते हैं, दूध तो बिकेगा ही, उनका जो गोबर से बेच करके जो अतिरिक्त आमदनी मिलती है उसमें खुशहाली लोगों के घर में आई है जी जी। कई लोग तो ये है कि अपने बच्चों के फीस वगैरह भी इसी से जमा कर रहे हैं जी, कई लोग मोटरसाइकिल लिए हैं, कई लोग नए ट्रैक्टर लिए हैं जी जी। तो ये एक बहुत दूरगामी परिणाम है किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना, जिसके माध्यम से गोबर को आय का साधन, पशुपालकों को आय का साधन बनाया गया जी जी। सर अपन आय बढ़ाए पर फसल चक्र परिवर्तन जिन किसान मन भाई मन करना चाहते हैं वो मतलब क्या कार्य योजना बनाना चाहिए? कार्य योजना के लिए, फसल चक्र परिवर्तन के लिए किसानों को एक मानसिक रूप से पहले, जैसे खरीफ की फसल है हमको मई जून से तैयारी करना पड़ेगा कि हमको किस खेत में कौन सी फसल लगानी है जी जी। तो उसके बाद में फिर मानसिक रूप से तैयार होकर के बीज की व्यवस्था, बीज एक महत्वपूर्ण घटक है जी, हमको कौन सा फसल कौन सी अवधि का लगाना है जी, तो ये तैयारी कर लें। और उसके बाद में अगर किसान है, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लें, सहकारी समिति के माध्यम से बीज ले सकते हैं जी जी। निजी दुकानों में भी हमारे पंजीकृत व्यापारी लाइसेंस है, उनके यहाँ भी बीज है जी जी। और उसके बाद में जो इनपुट है वो सहकारी समिति के माध्यम से या निजी व्यापारी से, फर्टिलाइजर है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह है, कृषि यंत्र वगैरह है, ये सब की व्यवस्था करके फसल को परिवर्तन, मेन जो घटक है बीज जी, और किसान को मानसिक रूप से जी तैयार होना जी जी। सर आप मन हमारे स्टूडियो में आए, कहाँ पर किसान भाई बनला बहुत उपयोगी जानकारी दे, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद। नवा जानकारी नवा विषय के साथ हमन फिर आबो, अभी आज्ञा देवो, जय जोहार। Thank you.
हूँ।